मेरे साथ पंगा ले रहा है, मैं वीडियो बनाने गया था और वीडियो बनाया है अभी। Alright, so hey guys, what's up everybody? Sivarian Zehan back into the game with a new video. तो गाइस मैं आज बहुत ही सुबह उठ गया हूँ, अभी टाइम 10 बज रहे हैं, उसके ऊपर आज संडे है और आज मेरा कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो बाइक है उसे मैं सर्विस सेंटर पे ले जाऊँ और उसे थोड़ा सर्विस करा दूँ। आज से 6 महीना हो गया मैं अपने बाइक को सर्विसिंग किया था लास्ट, तो आप लोगों को क्या पता हो डूड, मेरा बाइक का हाल बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पर जाके सबसे पहले मैं अपना बाइक का मोबिल चेंज करूंगा, क्योंकि जब भी मैं अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ ना तब मोबिल से एक बदबू निकलता है, तो आप लोगों को पता चल ही गया कि भाई मेरा बाइक कितना किलोमीटर चला गया है। इतना बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो चलो ना वहाँ पर जाके देख लेता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। मैं वहाँ पर जाके क्या करूंगा क्या नहीं सब दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले ही बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो डूड, क्या कर रहे हो जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और चलो वहाँ पर चलते हैं देखते क्या होता है क्या नहीं, लेट्स गो। ये है मेरा बाइक, आप लोग देख सकते हो, आज मैं इसको ले जाऊंगा सर्विस कराने के लिए। तो गाइस चलो चाबी स्टार्ट कर लेता हूँ पहले, और मैं निकल गया हूँ रोड पे। और गाइस मुझे थोड़ा संभाल के जाना होगा, क्योंकि मैं घर से विदाउट हेलमेट निकला हुआ हूँ, अगर पुलिस पकड़ेगा तो फाइन कर देगा। मैं घर से 10 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, अब मुझे एक पेट्रोल पंप ढूंढना होगा, क्योंकि बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गलत होगा। सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैं थोड़ा पेट्रोल डाल लेता हूँ, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है। पेट्रोल ले लिया, अब यहाँ से फिर मुझे 10 किलोमीटर जाना होगा, तो चलो चलते। और भाई तू अब पकड़ के बैठना, क्योंकि मैं थोड़ा तेज जाऊँगा अभी। इतना तेज चला रहा हूँ, मेरा दोनों आँख से ही पानी निकल रहा है डूड। भाई भाई वहां पर एक दुकान है देख। हाँ बोलो, यहाँ पर देखते हो चलो कोल्ड ड्रिंक मिलेगा या नहीं। मैं यहाँ पर रुक गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ ठंडा पीना है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा शीशा पूरा पीला हो गया। भैया मुझे एक चिल कोल्ड ड्रिंक दे दो। सुकून मिला आप, चलो फिर चलते। ये पकड़ लो, तुम भी पी लो थोड़ा सा, ये बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा टी शर्ट पूरा पीला हो गया डूड, क्या बात हो आप लोगों को, ऊपर देख सकते हो। चलो डूड अभी बहुत काम बाकी है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। ये KTM का शोरूम आप लोग देख सकते हो, और इसके पीछे इसका सर्विसिंग रूम है, तो चलो वहाँ पर चलते जाके देखते हो क्या होता है क्या नहीं। अरे आओ बोलो जल्दी आओ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना बाइक पड़ा हुआ है, और उसमें से कुछ एक्सीडेंट का बाइक पड़ा हुआ है, जो इंश्योरेंस क्लेम करता है वो बड़ा जो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। अब चलो सर्विस कर लेता हूँ मेरा बाइक का।
सर्विसिंग के टाइम मैं वीडियो कर रहा था, तब वहाँ का एक स्टाफ मुझे देख लिया। साथ साथ मुझे बताया गया है कि भाई यहाँ पर वीडियो करना पूरा मना है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है, फिर भी वो लोग मेरा बात नहीं मान रहा और बात बात पे ये बोल रहा कि पूरा अंदर सीटी फूटेज है, अगर हमारा शहर देख लेगा तो हमें उल्टा सीधा बोलेगा। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला कि मैं भाई मेरा बाइक बाहर निकल दो और बाहर जाके सर्विस करा दो। गाइस मुझे सिर्फ सर्विसिंग का वीडियो चाहिए, वो सर्विस सेंटर के अंदर हो या बाहर, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट करना हूँ तो इसलिए मुझे वीडियो चाहिए, मतलब चाहिए ही। आप देखते हो क्या होता है क्या नहीं। बाइक का सीट ओपन करके पहले बैटरी चेक किया, उसके बाद एयर फिल्टर चेक किया और बोला दोनों ही ठीक है। अब मोबाइल फिल्टर निकल रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मोबाइल डाल दिया, आप लोग देख सकते हो, ये है मोटुल का मोबाइल 7100 है जो कि मैं यूज़ करता हूँ और ये पूरा 1.5 लीटर लग जाता है। अब भाई यार का नाट खोल रहा है क्योंकि इसके अंदर एक फ्यूल फिल्टर रहता है, वो भी पूरा ख़राब हो चुका। ये देख सकते हो, इसे बोलते हैं फ्यूल फिल्टर, जो कि पूरा ऑयल को फिल्टर करके इंजन में भेज देता है। ओए अब लोग देख सकते हो नया वाला फिल्टर इंस्टॉल हो गया। सब ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और गाइस इसके अंदर जो जो पार्ट्स चेंज करना था वो मैं चेंज कर लिया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना कीचड़ है, तो ये भी मुझे वॉश करना होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाइक को फोम वॉश कराऊँ, तो यहाँ से बोल ही दिया कि भाई यहाँ पर जो फोम वॉश होता है वो उसका मशीन थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मुझे कहीं दूसरे जगह पर जाना होगा अभी। चलो अब देखते हो कहाँ पर फोमस होता है, पता नहीं रूट अब कहाँ का मुझे ढूंढना होगा। बहुत जगह ढूंढने के बाद नहीं मिला और अचानक एक जगह मिल ही गया मुझे जहाँ पर फोमस होता है। अब हो रहा है फोमस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो जैसे स्नोफॉल हो रहा है मेरे बाइक के ऊपर। इसके नीचे जो कूलर रहते हैं उसके अंदर भी ठीक से मार देना, पूरा बाइक में फोम दे दिया। आप लोग देख सकते हो कुछ देर बाद उसे रगड़ रगड़ के सर्व कर रहा है, उसके बाद ठीक से पानी मार के धो रहा है और लास्ट में पूरा बाइक के ऊपर हवा मार रहा है क्योंकि वो जल्दी से सूख जाए इसलिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा बाइक का फुल वॉश हो गया है, देख सकते हो पूरा कितना सेक्सी लग रहा है डूड, थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट के मजे लो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर देना और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। So I hope you guys enjoy this video, so guys please make subscribe my YouTube channel and I will see you guys in the next video and then stay sexy baby.